नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत में। आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं खबरों का सेंसेक्स। खबरों के सेंसेक्स में हर वो बड़ी खबर होगी जो आप तक हम पहुंचाएंगे, जिनसे आपका सीधा सरोकार है, फिर चाहे वो राजनीति की खबर हो या फिर कोई दूसरी खबर जो कि आप पर सीधे तौर पर असर डालती है। सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर 1990 में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन पर सियासी संग्राम मचा है, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। सियासी बवाल के बीच फिल्म कश्मीर फाइल्स के एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये वीडियो न्यूज एजेंसी एपी ने उस समय बनाया था, और ये वीडियो जरा देखिए और जानिए कि 1990 में हुआ क्या था। Terror and grief in this remote village in Indian-controlled Kashmir after 24 Hindus were dragged from their homes and massacred. Suspected Islamic militants in army uniforms forced them out of their homes, lined them up in front of a Hindu temple and shot them at close range. It's the biggest ever terrorist attack on the state's minority. The corpses of two children, 11 men and 11 women, lined up side by side, were surrounded by nearly 2,000 relatives who'd come from other villages to mourn their dead. This was the last chance for relatives to see their kin before cremation. For some, it all seemed too much to bear. Tens of thousands of Hindus have fled the region after Islamic militants began targeting them as part of their fight for an independent Kashmiri state. Many live in refugee camps outside Indian cities. And after last night's attack, there are many in this village who regret having stayed on. Terror and grief in this remote village in Indian-controlled Kashmir after 24 Hindus were dragged from their homes and massacred. Suspected Islamic militants in army uniforms forced them out of their homes, lined them up in front of a Hindu temple and shot them at close range. It's the biggest ever terrorist attack on the state's minority. The corpses of two children, 11 men and 11 women, lined up side by side, were surrounded by nearly 2,000 relatives who'd come from other villages to mourn their dead. This was the last chance for relatives to see their kin before cremation. For some, it all seemed too much to bear. Tens of thousands of Hindus have fled the region after Islamic militants began targeting them as part of their fight for an independent Kashmiri state. Many live in refugee camps outside Indian cities. And after last night's attack, terror and grief in this remote village in Indian-controlled Kashmir after 24 Hindus were dragged from their homes and massacred. Suspected Islamic militants in army uniforms तो 1990 में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन पर किस तरीके से सियासी संग्राम मचा हुआ है, लेकिन हकीकत भरा वीडियो लगातार रिलीज किया जा रहा है। सियासी बवाल के बीच फिल्म कश्मीर फाइल्स के एक्टर अनुपम खेर ने ये वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर, और ये जो वीडियो है वो न्यूज एजेंसी एपी ने उस समय बनाया हुआ था, जिसे अनुपम खेर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये वीडियो जरा देखिए और जानिए कि 1990 में क्या हुआ था, किस तरीके से हिंदू पंडितों के साथ जुल्म ढाए गए थे, पलायन को मजबूर हो गए थे, वहां से लोग अपनी जान बचा करके किस तरीके से निकल रहे थे, रोते बिलखते हर तरफ कश्मीरी पंडित आपको इस वीडियो में नजर आएंगे। और ये जो वीडियो है ये न्यूज एजेंसी एपी ने उस वक्त शूट किया था, जिसे अनुपम खेर ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। आप इसमें साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं कश्मीरी पंडितों का क्या हश्र है, उन पर किस तरीके का अत्याचार जुल्म हुआ था उस वक्त। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर के देश में एक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन आज हम आपको रियल कश्मीर फाइल्स पर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। रियल कश्मीर फाइल्स पर यासिन मलिक की कुंडली खोलने जा रहे हैं। आज हम आपके सामने चार बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। पहला खुलासा ये कि यासिन की अरेस्ट फाइल, यासिन मलिक पहली बार गिरफ्तार आखिर हुआ कैसे था, और दूसरा खुलासा हम करेंगे कि आखिर यासिन मलिक को कश्मीरी पंडितों से इतनी नफरत क्यों है। तीसरा खुलासा ये होगा कि यासिन मलिक का वो डर हम आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से उसने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा, और चौथा खुलासा यासिन मलिक और उसकी कंपनी के गुनाह आखिर क्या है। तो यासिन मलिक पर खुलासा आज खुद वो शख्स करने वाला है जिन्होंने यासिन मलिक को पहली बार गिरफ्तार किया था, बीएसएफ के पूर्व डीआईजी और तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर जगदेव कुमार शर्मा। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और जरा देखिए यासिन मलिक की क्राइम फाइल। जी
साल था 1990 और जगह थी जम्मू कश्मीर। कश्मीरी पंडितों का पलायन चरम पर था। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों में एक बड़ा नाम था, यासीन मलिक। सुरक्षा एजेंसियां यासीन मलिक को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन मलिक हमेशा चकमा देने में कामयाब हो रहा था। आखिरकार वो रात आ ही गई। 6 अगस्त 1990, संतनगर, जम्मू कश्मीर। बीएसएफ को यह सूचना मिली कि श्रीनगर के संतनगर इलाके में यासीन मलिक छिपा है। बीएसएफ के कमांडेंट जगदेव कुमार शर्मा अपनी बटालियन लेकर लोकेशन पर पहुंचे। यासीन मलिक बड़ा खूनखार मिलिटेंट था। इसके पीछे में काफी दिन का लगा हुआ था और काफी टाइम लगी, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको ट्रैप करने में। ये बड़ा चालबाज आदमी था, मेरे नेट में फंस नहीं रहा था। 15-20 दिन पूरा मैं इसके पीछे लगा रहा, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने ट्रैप किया। ऑन 6 अगस्त 1990 आई गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट यासीन मलिक अलॉन्ग विद हिज कलीग्स इज हैविंग ए मीटिंग इन संतनगर इन द हाउस ऑफ मिस्टर बटाली। एज सून आई गॉट द इन्फॉर्मेशन आई गॉट रेडी माई कमांडो टीम एंड रश टू द प्लेस, सरेंडर टू द हाउस एंड देयर वाज द एनकाउंटर। फायरिंग वाज एक्सचेंज्ड बिटवीन यासीन मलिक, माई सेल्फ एंड अदर पर्सनल। सो अल्टीमेटली वी मैनेज टू ओवरपावर ऑल द 11 मिलिटेंट्स। दे वर 11 टोटल। वन वाज यासीन मलिक, नंबर टू वाज हमीर शेख, नंबर टू ऑफ द JKLF, नंबर थर्ड वाज काका हुसैन, एरिया कमांडर ऑफ जम्मू। देयर वर ऑल द एरिया कमांडर ऑफ एरिया कमांडर बारामुल्ला, बांदीपुर, दे वर ऑल अरेस्टेड इन दिस ऑपरेशन। बीएसएफ की टुकड़ी ने 11 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन लोगों की पहचान करना, खास तौर पर यासीन मलिक को पहचानना, क्योंकि तब तक यासीन मलिक को किसी ने नहीं देखा था। कमांडेंट जेके शर्मा के पास भी सिर्फ यासीन का एक स्केच था। एक्चुअली यासीन मलिक का कोई फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं था सिक्योरिटी फोर्स के पास, ना तो पुलिस के पास था ना बीएसएफ के पास। एक स्केच बनाया गया था जो मेरे को दिया था, भी ऐसे करके ऐसा उसको नजर आएगा। वो 6 फुट लंबा है, उसका जो फेस है वो टेढ़ा है, लेकिन उस जो 11 आदमी मैंने पकड़े उसमें ऐसा कोई आदमी नहीं था जो 6 फुट लंबा और टेढ़े फेस वाला हो। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु यासीन मलिक। फिर मैंने थोड़ा वहाँ से थोड़ी सख्ती की तो जानना चाहा यासीन मलिक कौन है। ड्यूरिंग दैट इंटरोगेशन यासीन मलिक केम आउट कि इनके ऊपर सख्ती ना करो, आई एम द यासीन मलिक। फिर यासीन मलिक को मैंने पहचाना, वो तकरीबन 5.5 फुट हाइट थी, उसका फेस टेढ़ा था, वो एग्री कर गया कि मैं यासीन मलिक हूँ। और उसके बाद बाकी पूछा, दूसरा एक हमीर शेख था, इसका डिप्टी चीफ काका हुसैन था, एरिया कमांडर जम्मू, और बाकी 10-11 और मिलिटेंट थे, टोटल मिला के 11 मिलिटेंट थे। यासीन मलिक को पकड़ने वाले जेके शर्मा ने इसके आगे जो कहा वो बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला। सुनिए गिरफ्तार होने के बाद यासीन मलिक की हालत क्या थी। बहुत डरा हुआ था, वो कहता था मेरे को ब्लड प्रेशर है, मैं मर जाऊंगा यहीं, मेरे को टच ना करो सर, पानी मांग रहा था, पानी पिलाओ मेरे को। बहुत घबराया हुआ था। ही वाज टेकन बाय ए कंप्लीट सरप्राइज कि पूरी की पूरी उसकी कैबिनेट, वो तो कैबिनेट बना रखी थी, पूरे एरिया कमांडर सभी पकड़े गए। ही वाज इन ए बिग शॉक, वो बिल्कुल होश में नहीं आ रहा था, घबराया हुआ था एकदम। वहां से उनको मैं सभी पूरी पार्टी को पकड़ के घर की सर्च की, उनके जो किचन का रसोई वाला था लड़का उससे पूछा, उनको सख्ती की तो बताया कि जो उनकी किचन है उसके अंदर कुछ वेपन अंडरग्राउंड दबा रखे हैं। वो किचन की खुदाई की, वहां से राइफलें वगैरह ग्रेनेड पिस्टल निकाले। जो यासीन मलिक कश्मीर के अलगाववादियों का पोस्टर बॉय बनता, वो पानी मांग रहा, डर कर गिड़गिड़ा रहा था कि मैं मर जाऊं। ये तो सिर्फ गिरफ्तारी की बात, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे है यासीन मलिक का कबूलनामा। तो यासीन मलिक गिरफ्तार हो चुका था, अब वक्त था इंटरोगेशन का, यानी कि सवाल जवाब का, यानी कि यासीन क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, इसके पीछे की वजह क्या है और आगे क्या करने वाला था, आगे की प्लान क्या था यासीन मलिक की, यासीन मलिक के कबूलनामे का
लेकर के एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब तक यासीन मलिक गिरफ्तार हुआ तब तक हजारों कश्मीरी पंडितों का परिवार घाटी छोड़कर जा चुका था। कत्लेआम के डर से पंडित अपनी धरती, अपना घर, सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि यासीन मलिक को आखिरकार कश्मीरी पंडितों से इतनी नफरत क्यों थी? यासीन मलिक को जब मैंने थोड़ा पूछा, उसने बोला भी आपने ये इतना आदमी क्यों मारे, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वो कहता हम जेएनके को याद कराना चाहते थे और इनको वो तभी हो सकता था अगर सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये मुखबरी करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर ये पूरे पंडित चले जाएंगे तो मुखबरी करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हमने इनके घरों के ऊपर लाल पेंट से JKL लिख रखा था, वो मैंने भी देखा है। इनके जो पंडितों के घर थे JKL लिख रखा था, वो फिर उनको डर था कि जिसके ऊपर JKL लिख दिया अभी इसके ऊपर अटैक होने वाला है, तो वो इतने घबरा गए थे सब बैली छोड़ के भाग गए। कश्मीरी पंडितों के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और तो और इनके घरों को भी कब्जा लिया गया। पेंट से लिखा था कि हमने जितने हिंदू भाग गए, ये घर हमने अपने जितने हमारे JKLF के मेंबर है ना, नुमाइंदा हमारी तंजीम के आदमी है, उनको अलॉट कर दिए। ये पंडितों के घर उनको अलॉट कर दिए, उनके ऊपर JKR लिख दिया, कोई दूसरी जो तंजीम है वो इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती। ये घर JKL को ही बिलोंग करते हैं, अपने आदमी को हम देंगे ये घर, इसलिए पंडितों को वहां से भगा दिया था। यासीन मलिक की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात थी, ये सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तो यासीन मलिक की गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए किसी बहुत बड़ी सफलता से कम नहीं थी। मलिक को गिरफ्तार करने वाले JK शर्मा को सितंबर में DIG भी बना दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी घटनाएं कम नहीं हुई हैं। अब टारगेट कश्मीरी पंडितों के साथ साथ BSF भी बन चुका था। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी का बदला लेने की ठानी और कमांडेंट JK शर्मा के परिवार को निशाना बनाया। मैं श्रीनगर में था, सितंबर ये अगस्त का किस्सा है, सितंबर के महीने में मेरी प्रमोशन हो गई थी, मैं DIG बन गया था, JNK में ही पोस्टर रहा। 13 जनवरी 1991 मेरे गांव से पंजाब में मेरे बच्चे किडनैप हो गए थे, वो पंजाब के मिलिटेंट ने किडनैप कर लिए थे। मेरा को शक है कि ये JNK मिलिटेंट और पंजाब मिलिटेंट था, आस में तालमेल था। दे मस्ट हैव गिवन द इंफॉर्मेशन टू मिलिटेंट्स स्टेइंग इन पंजाब, दे गॉट माई चिल्ड्रन किडनैप्ड। एक महीना मेरे बच्चे मिलिटेंट की कस्टडी में रहे थे। यासीन के समर्थकों ने BSF को अपना टारगेट बना लिया, खासतौर पर JK शर्मा। JNK में मेरे ऊपर एक नहीं कई दफा हमले हुए। एक दफा तो मैं श्रीनगर में ही पुलिस स्टेशन गया था SP को मिलने के लिए, मेरे साथ 3 गाड़ियां थी, हमारे जो जवान थे, मैं SP के दफ्तर में बैठा, हमारे जवानों के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंक दिए, 10-15 जवान हमारे इंजर्ड हो गए थे, वो फिर मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर में रहे। उसके बाद मैं 1995 में DIG था बंदीपुर, बंदीपुर से मैं बारामूला जा रहा था, आई वॉज ऑफिशिएटिंग IG आल्सो दैट टाइम, ड्यूल चार्ज था। मैं जब बारामूला जा रहा था, रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हुआ, बड़ा ज़बरदस्त फायर हुई, 1 घंटा फायर चलता रहा, वो बच गया उस दिन। ये तो पेपर में भी आया है, DIG JK शर्मा एस्केप्ड बिट डाउन लाइफ। फिर उसके एनकाउंटर में मैं कुछ मिलिटेंट जिंदा पकड़े, कुछ वेपर पकड़े। हमले थम नहीं रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब आतंकियों ने JK शर्मा के घर पर अटैक कर दिया, अंदर पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। जब मैं श्रीनगर में था, यशन मलिक को पकड़ने के बाद हमारे बच्चे, मेरी वाइफ वहां पर आए थे, ये अपने जो रिंग रोड है श्रीनगर का, वहां पर मेरा दफ्तर था उस टाइम पर, हमारे ऊपर अटैक हो गया। उस दिन मेरे घर के ऊपर फायरिंग हुई बड़ी जबरदस्त,
शीशी के खिड़के टूट गए, मेरी वाइफ भी वहीं थी, ये बच्चों ने चारपाई के नीचे छुपे, मैं फिर बाहर निकला, उसको रिटेलिएट किया, मेरी टेंट का जबरदस्त फायर हो रहा था, हमारे कैंप के ऊपर भी फायर होता रहता था वो। जब इसको रेस्ट किया, एक हफ्ते तक पूरा श्रीनगर लॉकडाउन हो गया था, पूरा श्रीनगर लॉकडाउन फॉर वन वीक, कंप्लीट वन वीक। हालांकि गिरफ्तारी के चार साल बाद यानी मई 1994 में यासीन मलिक बेल पर छूट गया, लेकिन इसके बाद साल 2019 में एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। कश्मीरी पंडितों पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई तो 1990 का कश्मीर का वो नरसंहार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ये नरसंहार हुआ क्यों था? इस नरसंहार का मास्टरमाइंड आखिर कौन था? किसने ये पूरी प्लानिंग की थी? किसने कश्मीरी पंडितों के पलायन की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी थी? इस रिपोर्ट में देखिए। दर्द से तड़पते ये चेहरे, अपनों की हत्या के गम में जार जार रोते ये लोग, मातम मनाती एक महिला जिसका 32 साल पहले आतंकियों ने सब कुछ छीन लिया। घाटी के ऐसे न जाने कितने कश्मीरी पंडित जो आतंकियों के अत्याचार से डरकर घर छोड़ने को मजबूर हुए और जिन्हें इंसाफ दिलाने की बातें 32 साल पहले की इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में ही दर्ज होकर रह गई। कौन थे वो लोग जिन्होंने 32 साल पहले घाटी में कश्मीरी पंडितों पर बेहिसाब जुल्म किए? 20-25 अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। कौन थे वो लोग जिन्होंने न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया? उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। कौन था 1990 में हुए नरसंहार का वो मास्टरमाइंड जिसका जम्मू से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारे में सिक्का चलता था और हर दल उसके गुनाहों को दरकिनार करके स्वागत सत्कार में जुट जाता था? जानते हैं कौन है वो आतंकवादी। वो नाम है यासीन मलिक। वो यासीन मलिक जो 80 और 90 के दशक में JKLF का चीफ था और जिसके इशारे पर ही कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम सरेआम हुआ। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? यासीन मलिक ने भारतीय वायुसेना के चार अफसरों को, जिनमें से एक स्क्वाड्रन लीडर भी थे, आकर के सरेआम गोली मारी और ये सब यासीन मलिक ने अपने कई साक्षात्कारों में, इंटरव्यूज में कबूला है। टिन सेबेस्टियन के साथ हार्ड टॉक में उसने अपने मुंह से कहा है कि उसने भारतीय वायुसेना के चार अफसरों को मारा। यासीन मलिक ही है कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा हत्यारा। इसके कई सबूत आज आप टीवी पर देखेंगे। ये तस्वीर है तब के सेशन कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की, घाटी में जिनकी हत्या से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की शुरुआत हुई। वो तारीख थी 4 नवंबर 1989, जब बीजेपी नेता टीकालाल टपलू की हत्या के 7 हफ्ते बाद ही श्रीनगर में हाईकोर्ट के पास जज नीलकंठ गंजू की सरेआम हत्या की गई। नीलकंठ गंजू ने ही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर और अलगाववादी यासीन मलिक ने बाद में एक इंटरव्यू में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। The then senior journalist Mr. M.J. Akbar had accompanied him to China on his visit, official visit as Prime Minister. And while they were in the aircraft on board, so somebody raised this remark, informal chit-chat with the Prime Minister, what is happening in Kashmir? Every day there is some problem, some these shutdowns and other things, and then some of these blasts and everything. Was happening those days, people were really very upset and harassed. So Prime Minister said, well,
We are really concerned. फिल्म द कश्मीर फाइल्स में तब के सेशन जज नीलकंठ गंजू की हत्या का जिक्र है। इसी फिल्म में एक और जघन्य हत्याकांड का भी जिक्र किया गया है और यह आतंकी वारदात भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के कत्ल से जुड़ी है। ये तस्वीर है भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की। 25 जनवरी 1990 को रावलपोरा में हथियारबंद आतंकवादियों ने रवि खन्ना और वायुसेना के 3 अन्य अधिकारियों को गोलियों से भून डाला था। कई लोग घायल भी हुए थे। आज के युवा शायद ही ये बात जानते होंगे कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी यासीन मलिक ही था और वो खुद भी इस हत्या में शामिल था। यासीन मलिक पर आरोप है कि उसने 1988 में पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। वापस लौटा तो JKLF का प्रमुख बन बैठा। कहा जाता है कि इसी दौरान उसने कश्मीरी पंडितों को भगाने की प्लानिंग बनाई। इसी दौरान 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रबिया सईद के अपहरण में भी उसका नाम आया। यासीन मलिक का ये पुराना वीडियो उसके आतंकी कनेक्शन की गवाही दे रहा है, जिसमें वो कुछ साल पहले इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के साथ नजर आया था। यासीन मलिक जो कहता था कि आतंकी अफजल गुरु ने संसद पर हमला नहीं किया, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा यासीन मलिक, जिसे आतंकवादियों और अलगाववादी समूहों को फंडिंग करने के आरोप में NIA ने साल 2019 में गिरफ्तार किया, जिसके संगठन JKLF को प्रतिबंधित किया गया और तब से यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नोभा। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के देश की सियासत दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं इस मूवी को लेकर के, इसकी हकीकत को लेकर के, उसे साफ यही पता चलता है। लेकिन सबसे पहले ज्यादा परेशानी उन स्थानीय पार्टियों के नेताओं को हो रही है जिनके दामन पर कश्मीरी पंडितों के दर्द देने का दाग लगा है। धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। द कश्मीर फाइल्स पर ये PDP प्रमुख की बौखलाहट है, ये महबूबा मुफ्ती की छटपटाहट है, ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की तिलमिलाहट है। एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान दलित राजपूत दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। फिल्म में कश्मीरी पंडितों का सच सामने आया तो कश्मीर के सियासतदान बौखला गए। क्या महबूबा, क्या अब्दुल्ला, सभी अपना एजेंडा लेकर बिल से बाहर आ गए। देखते हैं वहाँ इनके गुंडे होते हैं, वो वहाँ मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाते हैं, कश्मीरियों के खिलाफ नारा लगाते हैं। मुझे दुख है, ये क्या जाने कश्मीरी पंडित क्या होता है, ये तो उनके दुख को हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं। आरोप लगते रहते, वो कह रहे कि आपके मालवीय नहीं, आरोप लगते रहते, वो कह रहे कि आपके CM रहते ही शुरू हो गया था कत्लेआम। बिल्कुल वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी उसकी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हमारे लोग मर रहे सर। जम्मू कश्मीर के नेता द कश्मीर फाइल्स को एजेंडा फिल्म घोषित कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हो रही है। जम्मू कश्मीर के सीनियर कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी।
क्योंकि कश्मीरी पंडितों पर कांग्रेस के रवैये से वो सहमत नहीं है। जो विवाद कश्मीरी पंडित भाइयों को लेके दोबारा से उठा है, उसको लेके भी कई कांग्रेस नेताओं का जो रवैया रहा कि भाई नहीं, ये लोग अपनी मर्जी से छोड़ के गए और इनकी कोई मजबूरी नहीं थी, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक शर्मनाक और एक दुख दर्द बात है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उससे इतने कटे हुए हैं कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी कि मेरा उनके साथ बने रहना